जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। कल चांदी की वीडियो में जैसा बताया था कि एक अपर चैनल पे ट्रेड कर सकता है, अपर रेसिस्टेंस जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बुलिश चैनल में ट्रेड कर रहा है, और ऊपर की तरफ लेवल दिए थे आपको 72,900, 73,400 और 73,800 रुपए भी अचीव हो सकता है। ये वीडियो अगर आपने देखी होती तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजाना ना भूलें, ताकि सारी अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। जब वीडियो आती है क्या टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, तो डेटा आने के बाद जो जॉबलेस क्लेम का डेटा वो बढ़कर आया। बढ़कर आने का मतलब होता है डॉलर वीक हो जाएगा, और डॉलर वीक क्यों हुआ, यूएस इकोनॉमी वीक हुई, जॉबलेस ज्यादा लोग यूएस में जॉब क्लेम कर रहे हैं, तो उसके चलते गोल्ड सिल्वर में खरीदारी हमें बढ़ती हुई दिखाई दी। और आज इंटरडे में भी 73,800 रुपए के ऊपर ट्रेड हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड में भी देखो, 1985 डॉलर का जो टारगेट आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था, 2 दिन पहले, वो हमें अचीव होता हुआ दिखाई दिया ऊपर की तरफ, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अब आप बात कर लो, यहाँ पे जो ट्रेड करना है, ये एक कोन में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, लगातार इस कोन में चल रहा था इंटरनेशनल मार्केट में। अभी एक्सचेंज यूएसडी पे बात कर रहे हैं, फिर एमसीएक्स चांदी पे भी हम बात करेंगे। चार्ट आपको यही देखना चाहिए, ये थोड़ा परफेक्ट चार्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया, फिर इसने एक ब्रेकआउट लिया डेटा आने के बाद, 6 बजे के करीब जो डेटा आया था, और इसने अब क्या बना दिया, इस जगह कंसोलिडेशन हमें दिखा रहा है। अब इस ट्रैप में जो लोग ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें अपना, ठीक है, ऐसा ना हो पोजीशन अपनी रखे थे, जाने को और तेजी दिखा सकता है। ब्रेकआउट हो भी रहा है, बट ब्रेकआउट कई बार ये फेक आउट भी बन जाता है, क्योंकि क्या, ब्रेकआउट तो हो गया, कोई रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाएगा तो एक चांसेस बढ़ जाएंगे कि दोबारा ऊपर की तरफ $25 तक फिर ये जा सकता है। तो ब्रेकआउट तो हो गया, एक बार थोड़ा रिट्रेस होके फिर ऊपर निकलेगा तो चांसेस बढ़ेंगे ये और ऊपर जाएगा। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज क्या होगा, ये दोबारा हो सकता है यहाँ इस तरीके से आता हुआ फिर ये लेवल के सपोर्ट भी तोड़ता हुआ आपको नजर आए। अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट की पोजीशन हाई रिस्क ट्रेडर यहाँ पे बना के चल सकते हैं। इस जगह कहाँ बनाए, लगभग 24.30 के नीचे शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है, 24.30 के नीचे, ठीक है। सेफ हाई रिस्क ट्रेडर, हाई रिस्क ट्रेडर यहाँ बनाए, सेफ ट्रेडर यहाँ पे बना सकते हैं शॉर्ट 24.235 के आसपास। सेफ ट्रेडिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है, प्रॉफिट बुक करके फिर ये नीचे की तरफ बढ़ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऊपर निकलेगा रीटेस्ट करके, जैसा मैंने बताया। कहाँ तक के लेवल नीचे रहेंगे, अगर ऐसा होता है, एक सपोर्ट ये नजर आ रहा है 23.95 और 23.70 डॉलर तक के लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। फ्राइडे है, थोड़ी पोजीशन स्क्वायर अप भी होती भी आपको दिखाई देंगी मार्केट में। ऊपर के लेवल्स यहाँ पे बताऊं मैं आपको, ऊपर के लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं, अगर ये लेवल प्रॉपर तरीके से चलना स्टार्ट हो जाए, कई बार क्या होता है रिटेस्ट करने नहीं भी आता, क्या होता है ऊपर जाके थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलेगा। इस तरह कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो आप बाई की पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 24.65 और 25 डॉलर तक के लिए। 24.65 और 25 डॉलर तक के टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो अभी एक प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, ना तो कोई रीटेस्ट हुआ ना कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी जल्दबाजी ना करें खरीदने की मार्केट में, जो लोग फ्रेश पोजिशन बनाना चाह रहे हैं, जो लोग खरीद चुके हैं, नीचे खरीद चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर लें अपना इस जगह, और थोड़ा बहुत जो मल्टीपल लॉट्स में काम कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कुछ लॉट का कर लें, कुछ लॉट का स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। यहाँ भी देखो बुलिश चैनल के बाहर लगातार निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और जैसा आपको बताया था इस जगह से फिर इसने ये लेवल ब्रेक करा 72,400, तो 72,800 अचीव हुआ, फिर 73,400 और इस जगह 73,800 भी हमें अचीव होता हुआ दिखाई दिया। तो बुलिश चैनल में हमेशा बाई की पोजिशन बनाए, शॉर्ट ना करें या फिर प्रॉफिट बुक। दोबारा रेंज में आएगा, मान लो इस जगह उतरेगा, इसके ऊपर से निकलता है दोबारा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ जाता है, तब आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं। इसमें ऊपर की तरफ क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऊपर की तरफ के टारगेट्स आप नोट कर लो, ऊपर की तरफ के लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं, लेवल्स मैंने निकाल भी रखे हैं। एक लेवल 74,420 रुपए का नजर आ रहा है, और इसके ऊपर निकला तो मार्केट कहाँ जाएगा, लगभग 75,000 रुपीज तक जा सकता है, 75,000 रुपए भी छू सकता है। कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप चीजें सीख कर ट्रेडिंग करें। मार्केट में टाइम टू टाइम डेटा न्यूज आता रहता है, ठीक है, उस पर पोजिशन बना के रखें,
और क्योंकि ये डेटा पलट भी सकता है, तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें, चीजें सीख कर ट्रेडिंग करें। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट तो हो रहा है, बट यहाँ पे कंसोलिडेट करके या तो ऊपर निकले तब आप बाय करो ब्रेकआउट पे, अभी जल्दबाजी ना करें, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें अपना बाजार में। अब बात कर लेते हैं मंदी कहाँ लग रही है। मंदी देखो एक ट्रेंड लाइन आप ऐसे भी लगा के चल सकते हो सेफ ट्रेडिंग के लिए, जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो एक आपको पॉइंट कुछ कैप्चर करने का मौका मिलेगा 73,400 रुपए तक। 73,400 से भी अगर नीचे मार्केट उतरता हुआ दिखाई दे तो 72,900 जो लास्ट टाइम मैंने लेवल दिखाए थे जो अजीब हुए, वही सेम लेवल्स अभी भी बने हुए हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो नीचे की तरफ 72,900 और 72,400 रुपए के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो नजर आ रहा है बाजार में वो 72,000 रुपए का नजर आ रहा है ये लेवल, ठीक है। मार्केट अगर आपको इस लेवल पे मिल जाता है तो खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है 72,000 रुपए के लेवल के, छोटे से स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। बट यहाँ तक आना भी चाहिए, ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम ले जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट में भी खरीदारी है, कल जो डेटा आया वो डेटा दोबारा न्यूज डिस्काउंट हो जाएगी, ठीक है। कोई नई न्यूज आएगी फिर मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा, तो न्यूज और इवेंट्स पे ध्यान बना के रखें। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rage game.